हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। कल का लेक्चर में जो हमने कैलकुलस का लिया था उसमें हमने स्टार्ट किया था थर्ड चैप्टर एंड 3.1 एक्सरसाइज टेलर थ्योरम जो हमने कल की थी, और आज हम करेंगे मैकलोरियन थ्योरम। कल हमने की थी टेलर्स थ्योरम विद लैंग्वेजेस फॉर्म। ओके, आज हम कर रहे हैं मैकलोरियंस थ्योरम विद लैंग्वेजेस फॉर्म। इसकी डेफिनेशन बाय नेम थ्योरम आ जाती है, एग्जाम में प्रूव करना। देखिए, जो हमने ये पढ़ा था कल, दिस इज द टेलर थ्योरम। टेलर्स थ्योरम इसका रिजल्ट है, ये टेलर थ्योरम का। इसकी दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है? अनदर फॉर्म ऑफ टेलर थ्योरम। कैसे निकालेंगे हम? जो यहाँ पे a प्लस एच है, इसको हम ले लेते हैं b। पुट a प्लस एच इक्वल टू बी। एच की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, ये आ जाएगी b माइनस ए। तो जहाँ जहाँ पे भी h होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे b माइनस ए से। बट जो लास्ट टर्म है f एन a प्लस थीटा एच, जो लास्ट की टर्म है वहाँ पे हमारे पास है a प्लस थीटा एच, इसकी क्या वैल्यू आएगी? क्योंकि यहाँ पे देखिए a को रखेंगे हम, a प्लस एच को हमने b लिया है, तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल सकते हैं b माइनस ए। समझ गए? तो यहाँ पे जो हम लेके चलेंगे a प्लस थीटा एच को, इसको मैं c ले लेती हूँ। भैया c lies between a and b। c ऐसा नंबर है जो a और b के बीच में लाइक करता है। h की वैल्यू उठाइए, यहाँ पुट करते हैं a प्लस थीटा इंटू बी माइनस ए। अंडरस्टैंड? अब इन वैल्यूज़ को जो आप चेंज कर दीजिए, यानी जो जो वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्लेस की है उसको आप रख दीजिए। a प्लस एच को हमने क्या रखा है? b रखा है। पुट करते हैं यहाँ पे f ऑफ a प्लस एच इज b, दिस इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h के प्लेस पे आप पुट करेंगे b माइनस a, b माइनस a इंटू f डैश a प्लस h के प्लेस पे रखेंगे b माइनस a, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a प्लस अप टू सॉन b माइनस ए रेज टू पावर n माइनस वन बाय n माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन ए। एंड लास्ट टर्म इज एच एन, एच को हमने b माइनस ए रखा है, b माइनस ए रेज टू पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल एफ एन। ए प्लस थीटा एच को क्या लिया हमने? c लिया है। और इसकी वैल्यू क्या निकाली यहाँ से? a प्लस थीटा इंटू बी माइनस ए, इसको रिप्लेस कर दें यहाँ से a प्लस थीटा इंटू बी माइनस ए। वेयर चेंज किससे आया है? सी को लेके हमने आया, तो सी कहाँ पे लाई कर रहा है? बिटवीन ए एंड बी इन ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये है अनदर फॉर्म ऑफ टेलर थ्योरम। देखिए नेक्स्ट थ्योरम है टेलर थ्योरम विद कॉसी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। पहले हमने की थी टेलर थ्योरम विद लैंग्वेजेस फॉर्म, अब हम कर रहे हैं टेलर थ्योरम की कॉसी फॉर्म। स्टेटमेंट देखिए, वही आपके पास कंडीशंस गिवन है, थोड़ा सा डिफरेंस है लैंग्वेजेस फॉर्म और कॉसी फॉर्म में टेलर थ्योरम के लिए। देखिए एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ एन एक्स सारे कॉन्टीन्यूस, ये हमें पहले वाले में भी गिवन थे। एफ एन एक्स यानी एन डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है इन ओपन इंटरवल, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर थीटा लाइज बिटवीन जीरो टू वन, एफ ओफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ओफ ए एच इंटू एफ डैश ए एच स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए एन एन माइनस वन लेके चलेंगे एच एन अपॉन एन माइनस वन। इस टर्म में चेंज है कॉसी में, और यहाँ पे हमने की थी लैंग्वेजेस कल। ठीक है, तो ये टर्म वहाँ पे क्या थी? एच एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच। यहाँ पे हमने क्या लेना है? यही चीज़ आपको ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है एच एन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू वन माइनस थीटा रेज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं इसका। बाय नेम भी आपको प्रूव करनी आ सकती है। तो हमने जो कल स्टार्ट किया था एज इट इज़, आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है लेट कैपिटल एफ ओफ एक्स। ये हमने कल भी अज्यूम किया था, क्या क्या लिया था यहाँ पे? एफ ओफ एक्स ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स ए प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस अप टू सॉन
एन माइनस वन है टर्म, ए प्लस, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन एक्स। एंड जो लास्ट टर्म लेनी है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा, पिछले जो टर्म में हमने लिया था वहाँ पे लिया था ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर एन बाय एन फैक्टोरियल, यहाँ पे आपको लेना है ए प्लस एच माइनस एक्स इंटू ए। सिर्फ ये डिफरेंस है लैंग्वेजेस फॉर्म में और कॉसी फॉर्म में। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट हमने क्या स्टेप किया था कि ये जो ए हमने कांस्टेंट लिया है, वेयर ए इज कांस्टेंट सच दैट, कांस्टेंट ले क्या कंडीशन फुलफिल करेगा, वेयर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच। किस इंटरवल पे आप प्रूव कर रहे हो, ए टू ए प्लस एच पे। वहाँ पे हम ले लेते हैं कि ए ऐसा कॉन्स्टेंट हमने यहाँ पे लिया है कि कंडीशन क्या आएगी, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच, दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने किया था कि एक्स को हमने ए रखा, पुट एक्स इक्वल टू ए, देन वी गेट एफ ऑफ ए, दिस इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ ए, जहाँ जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे आप ए रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ए रखते हैं देन एच एफ डैश ए। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज एच स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, यहाँ पे आप ए रखेंगे कैंसिल आउट, देन यहाँ से आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन एन माइनस वन एथ इज एच एन माइनस वन डिवाइड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एफ एन माइनस वन ए। ओके, और यहाँ पे अगर हम ए पुट करेंगे देन एच इंटू ए आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ से एफ ओफ ए में यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, एफ ओफ ए की वैल्यू। ओके, अब हम एक्स को रखते हैं ए प्लस एच, पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस एच। जैसे आप एक्स को ए प्लस एच रखते हैं, जहाँ जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे ए प्लस एच रखेंगे तो कंप्लीट टर्म्स, दिस जिसके पास भी ए प्लस एच माइनस एक्स है सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ ए। क्लियर, दिस इज इक्वेशन, ये थर्ड ले लीजिए और ये इक्वेशन फोर्थ ले लीजिए। एफ यहाँ पे हमने ए प्लस एच रखा है, स्मॉल एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए प्लस एच के इक्वल, और एफ ऑफ ए प्लस किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए प्लस एच, स्मॉल एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यूजिंग सेकंड थर्ड एंड फोर्थ रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, हमने किसका यूज किया, इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम दिस इक्वेशंस, एफ ऑफ ए प्लस एच ये इक्वल है, यहाँ से ये दोनों इक्वल है, अंडरस्टैंड, और ये एफ ऑफ ए की वैल्यू है तो एफ ऑफ ए की प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं स्मॉल एफ ऑफ ए प्लस एच, देन स्मॉल एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल आ जाएगा यहाँ से एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस अप टू सॉन एच रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन वन माइनस ए प्लस एच इंटू ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपको प्रूव करना है, सिर्फ चेंज किस में करना है, यहाँ तक तो हमारा सेम है, जो लास्ट टर्म है ए की वैल्यू वो हमारे पास ही आनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये इक्वेशन नंबर फाइव ले लीजिए। इक्वेशन फाइव बहुत लेंथी थ्योरम है और मुझे स्टेटमेंट रफ करनी पड़ेगी यहाँ। अब हमें क्या प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स रोज थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये मैं कल आपको करवा चुकी हूँ एफ ऑफ एक्स कैसे, सबसे पहले आप प्रूव करोगे कि एफ ऑफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस इन ए टू ए प्लस एच क्लोज्ड इंटरवल में। तो यहाँ से देखेंगे, फर्स्ट हमें दे रखा है एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ एन माइनस वन एक्स, कंप्लीट जो सारे के सारे फंक्शन है कॉन्टिन्यूस हमें गिवन है, यानी कि ये जो आपके पास फंक्शन है दीज आर ऑल कॉन्टिन्यूस। ओके, बचा क्या, पॉलिनोमियल,
ये पॉलिनोमियल है एक्स में, ये भी पॉलिनोमियल है, ये सारी एक्स में पॉलिनोमियल है, ये भी कंटिन्यूस होते हैं, देयरफॉर कंप्लीट एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस। डेरिवेबल के लिए सेकंड कंडीशन देखिए, यहाँ से एफ एन एक्स एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल, दैट मीन्स एफ डैश यानी कि एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव टू सो ऑन एन माइनस वन डेरिवेटिव, सारे के सारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स डेरिवेबल होगा, ठीक है, और ये पॉलिनोमियल है आपके पास एक्स में तो ये डेरिवेबल होती है, तो यहाँ से आ जाएगा कंप्लीट एफ एक्स इज डेरिवेबल। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि एफ ओफ ए इक्वल टू एफ ओफ ए प्लस एच, इस इंटरवल पे मेरा रोल सप्लाई करना है, तो एफ ओफ ए ये हम उठाएंगे रिजल्ट इक्वेशन नंबर सेकंड से, ठीक है, एफ ओफ ए इक्वल टू एफ ओफ ए प्लस एच, तीनों कंडीशन रोल के यहाँ पे प्रूव हो जाती हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट एफ ओफ एक्स सेटिस्फाइज ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, therefore they exist a real number theta, theta lies between 0 to 1 such that, हम एक ऐसा नंबर लेते हैं क्योंकि रॉल्स थ्योरम की ऑल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है f, तो यहाँ पे एक ऐसा रियल नंबर थीटा लिया कि f डैश, कैपिटल f लेना है आपको ये, क्योंकि हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं, कैपिटल f डैश x, सॉरी थीटा हमने लिया है ना, तो a प्लस थीटा h इक्वल टू जीरो आ जाए, दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स्थ, ठीक है। रोल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था वहाँ से रिजल्ट क्या लेते हो कि वहाँ पे एक ऐसा c नंबर यहाँ पे बिलोंग करता है किसमें, a b इंटरवल में इन ओपन इंटरवल, सो दैट f डैश c इक्वल टू जीरो होता है, ओके। यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू थ्योरम a प्लस थीटा एच इक्वल टू जीरो लेके चल रहे हैं, इसके लिए आपको क्या चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ दिस, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव को निकालना है, एफ डैश एक्स कीजिए, यानी कि आप डिफरेंस सेट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स करते हैं यहाँ से, फर्स्ट टर्म इज एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव ऑफ डैश एक्स आ जाएगा, सेकंड टर्म यू इंटू वी मेथड से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है, ए प्लस एच माइनस एक्स एज इट इज, एफ डैश एक्स का हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स माइनस, जब हम ए प्लस एच माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस यहाँ पे आएगा एफ डैश एक्स एज इट इज आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, प्लस वन बाय टू फैक्टोरियल, ये हम कॉमन रखते हैं, और यहाँ से देखिए टू टाइम, इसको आप पहले एज इट इज ले लीजिए, ए प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर इज एज इट इज, एफ डबल डैश का हो जाएगा ट्रिपल डैश एक्स माइनस, जब हम इस फैक्टर का करेंगे ए प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर, देन टू इंटू ए प्लस एच माइनस एक्स, वन पावर रह जाएगी, और बेस का करेंगे तो माइनस ऑलरेडी मैंने लगा दिया है, और एफ डबल डैश एक्स एज इट इज रह जाएगा, प्लस अप टू सॉन, अब एन माइनस वन टर्म का करिए, यहाँ से वन अपॉन एन माइनस वन, इसका डेरिवेटिव करते हैं यहाँ से, ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, ये हमने एज इट इज ले लिया, और आप इसका वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो एन माइनस वन तो है ही हमारे पास, एक और करेंगे तो ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा एफ एन एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव एफ एन एक्स, और जब हम फर्स्ट टर्म का करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा माइनस, बेस का करेंगे तो माइनस होगा, मैं पहले लगा देती हूँ, एन माइनस वन इंटू ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू एंड एफ एन माइनस वन इंटू एक्स इज एज इट इज़। एक फंक्शन का हमने डेरिवेटिव किया, यानी हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया और इसको एज इट इज़ रखा, ओके। लास्ट टर्म का करेंगे तो यहाँ पर इसकी पावर वन है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, और जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो x का होगा माइनस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए, हमने यहाँ पे डेरिवेटिव कर लिया। अब देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, एफ डैश एक्स से एक माइनस एक प्लस, ऐसे ही डबल डैश x इस टर्म से, क्योंकि टू से टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना टू फैक्टोरियल, जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे लाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरी टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, फिर ये टर्म नेक्स्ट जो आएगी यहाँ से कैंसिल आउट, एंड दिस इज ऑल्सो कैंसिल, यहाँ पे रिमेनिंग फैक्टर क्या रहना आपके पास, ये टर्म इससे पहले वाले से कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे हम देखोगे तो स्टार्टिंग वाली टर्म सेकंड वाली टर्म से कैंसिल हो रही है, तो ये टर्म कैंसिल नहीं होगी, ये वाली टर्म कैंसिल होगी, इससे पहले वाली टर्म का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो उससे ये वाली टर्म कैंसिल आएगी, समझ गए। एंड यहाँ पे देखिए क्या बच जाता है, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है
1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल a प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 एफ एन एक्स माइनस ए। अब हमें फ्रॉम सिक्स्थ इक्वेशन a प्लस थीटा एच 0 दे रखा है, जहाँ जहाँ पे भी आपके पास x है वहाँ पे हम पुट कर लेते हैं a प्लस थीटा एच, ताकि हम उसको 0 पुट कर सकें। ओके चलिए रखिए x को a प्लस थीटा एच रखते हैं, देन दिस गिव्स f a प्लस थीटा एच इक्वल टू 1 बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। जैसे ही आप यहाँ पे a प्लस थीटा एच रखते हैं देन h माइनस थीटा एच रह जाएगा रिमेनिंग फैक्टर, अंडरस्टैंड, और a से a कैंसिल हो जाएगा। x को अगर आप यहाँ रखेंगे तो दोनों माइनस के, a से a कैंसिल हो जाएगा, एफ एन ए प्लस थीटा एच माइनस ए, और ये हमारे पास वैल्यू फ्रॉम सिक्स्थ इक्वेशन से क्या है, इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से देखिए इम्प्लाइज दैट h यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं और इसकी पावर क्या चल रही है n माइनस 1। h कॉमन निकालेंगे तो पावर भी आएगी साथ में n माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस थीटा रेज टू पावर n माइनस 1 एफ एन ए प्लस थीटा एच, और a को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे क्योंकि इक्वल टू 0 है, a की वैल्यू आ गई हमारे पास ये, और इस a की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5th में। समझ गए, इक्वेशन नंबर कंप्लीट रिजल्ट हम यहाँ पे प्रूव कर चुके थे, बट लास्ट टर्म थी वो हमारे पास सेम नहीं आ रही थी इसके। ठीक है, तो एक ये हमने a की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, पुट इन फिफ्थ इक्वेशन, देन हमारा रिजल्ट आ जाएगा, तो इसको आप पुट कर लेना। देन ये थ्योरम आपके पास टेलर थ्योरम विद कॉसी फॉर्म। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद भी रखना है और इसका हम यूज़ क्वेश्चंस में करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए मैकलेरियंस थ्योरम विद कॉसी फॉर्म, ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंप्लीट ये थ्योरम प्रूव करनी है जो अभी हमने टेलर थ्योरम प्रूव की थी विद कॉसी फॉर्म वाली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो वही जो हमने लास्ट मैकलेरियन के लिए प्रूव किया था, क्या रखते हैं हमने जो अपना रिजल्ट था ये वाला था एफ ओ फे प्लस एच इक्वल टू एफ ओ फे दिस, इसमें आप रखेंगे ए को 0 और एच को एक्स, यहाँ पे रखो एफ ओ एक्स, ए को 0 एच को एक्स रखा मैंने, यहाँ पे आ जाएगा एफ ओ 0, नेक्स्ट इज एक्स इंटू एफ डैश एक्स, सॉरी 0 ए है ना यहाँ पे 0, और एक्स को एच को एक्स रख रहे हैं 2 स्क्वायर एफ डबल डैश 0 प्लस अप टू सॉन एन माइनस 1 एट टर्म, दिस इज एच एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 बाय एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन माइनस 1 0 प्लस लास्ट के जो टर्म है हमारे पास, लास्ट में एन ए की वैल्यू ये आई थी, तो जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे ना इसको एच इंटू एच रेज टू पावर एन माइनस 1, यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी तो एच की पावर एन आ जाएगी यहाँ से। समझ गए, यहाँ पे पुट करेंगे हम ए की वैल्यू को, देन एच रेज टू पावर एन अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि मैंने एक्स को मैकलोरियन में लेना है एक्स, तो मैं यहाँ पे एक्स रखूँगी। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए 1 माइनस थीटा एन माइनस 1 एफ एन थीटा एच, क्योंकि ए को हमने यहाँ पे 0 ले लिया और इसको भी एक्स में। ठीक है, तो ये आ जाएगी मैकलोरियन थ्योरम विद कॉसी फॉर्म। इसके लिए पहले पूरी टेलर थ्योरम प्रूव करो, उसके बाद हम ये स्टेप करो। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, एग्जाम्पल इसमें करवा देती मैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ही एग्जाम्पल है। साइन एक्स को आपको प्रूव करना है एक्स माइनस एक्स क्यूब एक्स 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन दिस, ये साइन की एक्सपेंशन होती है और हमें करना है इसको एन टर्म्स तक प्रूव। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टेलर थ्योरम अप्लाई करेंगे या मैकलोरियन थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या कहा है इसने कि एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स में जो रिजल्ट आता है, अभी हमने देखा जो एक्स में रिजल्ट आएगा वो मैकलोरियन थ्योरम में आता है। ओके तो यहाँ से एफ एक्स देखिए, एफ एक्स क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे जो फंक्शन होता है साइन एक्स। ठीक है, मैकलोरियन थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें क्या चाहिए, एफ डैश एक्स एफ डबल डैश ट्रिपल डैश, यानी कि डेरिवेटिव्स हमें यहाँ पे निकालने पड़ेंगे और nth और n माइनस 1 डेरिवेटिव भी हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, दिस इज कॉस एक्स
इसको वापस साइन में चेंज करते हैं, पाई बाय टू माइनस एक्स, प्लस लेके चलेंगे, क्यों? क्योंकि जब हम दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा पॉजिटिव ही आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो पाई बाय टू प्लस एक्स करेंगे, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो कॉस एक्स आ जाएगा ऐसे, ओके? एफ डबल डैश एक्स निकालिए, कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स, एक्स का करेंगे वन आ जाएगा, इसको फिर से साइन में कन्वर्ट करते हैं, पाई बाय टू माइनस कंप्लीट एंगल, पाई बाय टू प्लस करना है हमें प्लस एक्स, पाई बाय टू प्लस कंप्लीट एंगल करेंगे तो फिर से ये कॉस, इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस में ही जाएगा, और ये हमारा ये एंगल आना चाहिए। अब पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ टू इंटू पाई बाय टू, इसको टू को कैंसिल नहीं करना क्योंकि हम यहाँ से एनर डेरिवेटिव निकालेंगे सिमिट्री से। अब टू सॉन एन माइनस वन एथ डेरिवेटिव निकालते हैं, साइन ऑफ, देखिए सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पे टू मल्टीप्लाई आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं तो पाई बाय टू इंटू वन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एन माइनस वन इंटू पाई बाय टू प्लस एक्स, और एन एथ डेरिवेटिव करेंगे, और एन एथ डेरिवेटिव में देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, थीटा एक्स, है ना? तो साइन ऑफ, पहले आप सिर्फ एक्स ले लीजिए, साइन ऑफ एन इंटू पाई बाय टू प्लस एक्स तक तो पहुंच जाते हैं, बट यहाँ पे स्टेटमेंट में देखिए लास्ट में चाहिए हमें एक्स रेज टू पावर टू एन, मीन्स हमें एफ ऑफ टू एन निकालना पड़ेगा, मीन्स टू एन एथ डेरिवेटिव, ठीक है? अगर एफ एन ये आ रहा है तो एफ ऑफ टू एन भी आप निकाल सकते हो, साइन ऑफ यहाँ पे टू एन है, एन एथ डेरिवेटिव निकालो तो एन से मल्टीप्लाई, टू एन निकालोगे तो टू एन इंटू पाई बाय टू प्लस एक्स, ठीक है? ये आ जाएगा टू एन एथ डेरिवेटिव, ओके? अब हमें चाहिए मैकलोरिन थ्योरम, जब हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हम एफ डैश जीरो, एफ ऑफ जीरो, एफ डैश जीरो, यानी हमने क्या किया था, ए को जीरो पुट किया था और एच को एक्स लिया था इन टेलर थ्योरम, ठीक है? अब देखते हैं, हमें सबसे पहले एफ ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है, मीन्स जहाँ पे भी एक्स होगा वहाँ पे आप जीरो रखेंगे, साइन जीरो, दिस इज जीरो, एफ डैश जीरो निकालिए, एफ डैश एक्स की वैल्यू है साइन ऑफ कॉस एक्स में रख लीजिए, चाहे एक्स की कॉस जीरो इज वन, ओके? फिर हमें चाहिए यहाँ से एफ डबल डैश जीरो, यानी जब हम एक्स को जीरो रखेंगे तो वैल्यू क्या देगा हमें, यहाँ से एक्स को जीरो रखा कॉस पाई बाय टू, और कॉस पाई बाय टू कितना होता है, जीरो, ठीक? सो आज आप इन थ्योरम्स की प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मैं एक्सरसाइज सोल्व कराऊंगी, और यहाँ से जो मैंने आपको चार थ्योरम करवाई है ये एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के चार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो आप इन थ्योरम्स को अच्छे से प्रूव करना विद स्टेटमेंट, ओके? इनको तैयार कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 3.1 कंटिन्यू करेंगे, ट्राई करो इनको तब तक, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।